नमस्कार दोस्तों, आरसी के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कुर्ती में, बच्चों के स्वेटर में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 8 नंबर में फंदे चाहिए, यानी जो 2 से न कटते हों। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा और ढेर सारे डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊँगी, तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो हमने 11 स्टिचेस ले लिए हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 नंबर में फंदे चाहिए। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और अब नेक्स्ट 2 फंदे के बीच में हम सिलाई डालेंगे। हमने किसी फंदे में सिलाई नहीं डाला है, देखिए दोनों फंदों के बीच में जो स्पेस है उसमें सिलाई डाला है और एक लूप ले लेंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और अगले फंदे को बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 फंदे हो गए। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदे के बीच में जो स्पेस है उसमें सिलाई डालेंगे, एक लूप बना लेंगे, फिर उनको अपनी ओर करेंगे और फंदे को बैक लूप से सीधा बना लेंगे। तो देखिए 1 से 3 फंदे हो गए। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 2 फंदों को, एक फंदा उल्टा और एक फंदे से 3 फंदा, इन्हीं 2 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर करना है, एक फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करना है, 2 फंदे के बीच में सिलाई डालना है, एक लूप निकालना है, उनको अपनी तरफ करेंगे और फंदे को बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, 2 फंदे के बीच में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उनको वापस अपनी ओर करेंगे और बैक लूप से सीधा फंदा बना लेंगे। उन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा और ये लास्ट फंदा है एज स्टिच, इसे हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अब देखिए ये फंदा सीधा है, तो उन दूसरी ओर करेंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे। अब उन अपनी ओर, हमने ये 1 से 3 फंदे बनाए थे, तो तीनों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा फंदा बना लेंगे, यानी हमने 3 से इसे एक कर लिया, 3 से एक कर लिया। उन दूसरी ओर करेंगे, देखिए अगला फंदा ये सीधा है, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, अब तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और तीनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनते हुए 3 का एक कर लेंगे। उन दूसरी ओर, अगला फंदा सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे, तो 3 उल्टा बुनते हुए 3 का एक करके, तो 3 का एक करके और अगले फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट फंदा उल्टा, तो हमने 2 लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, ये फंदा देखिए उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे, उन दूसरी ओर करना है और इस फंदे को हमें बुनना नहीं है, इसे स्किप कर लेना है। उन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर, अगले फंदे को हमें बुनना नहीं है, स्किप कर लेना है, उन अपनी ओर, अगला फंदा उल्टा। तो एक फंदे को हम स्किप करेंगे और एक फंदे को
उल्टा बुनेंगे। देखिए जिसे हमने तीन से एक किया था उसे स्किप करेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और उल्टा फंदा इसे हम बुन लेंगे, लास्ट फंदा सीधा। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा इसे हम स्किप कर लेंगे। अब देखिए ये फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुन लेंगे, और इस फंदे को हमने पिछली लाइन में नहीं बुना था तो इस लाइन में भी हम इसे नहीं बुनेंगे और दूसरी तरफ कर लेंगे। उनको दूसरी तरफ किया, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर किया। देखिए स्किप किए हुए फंदे को वापस हम स्किप करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर फंदा स्किप करेंगे, उन दूसरी ओर। देखिए ये सीधा फंदा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमने चार लाइन कंप्लीट कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, इस फंदे को हमें उभार लाना था, तो यदि हम किसी डिज़ाइन में किसी पार्ट को, अगर डिज़ाइन के किसी पार्ट में उभार लाना हो तो उसको हमें स्किप करना होगा। देखिए स्किप करने से ये जो थ्रेड है पीछे, वो इसे, अब देखिए ये जो थ्रेड है ये इसे देखिए उठा देगा। तो डिज़ाइन के किसी पार्ट को अगर हमें ऐसे हाईलाइट करना हो तो हम उसे इस बुनते नहीं हैं, स्लिप कर लेते हैं। खैर ये डिज़ाइन का पांचवा लाइन, तो पांचवे लाइन में सभी फंदे सीधे बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे, यानी पांचवे लाइन में सभी फंदा सीधा और छठे लाइन में सभी फंदा उल्टा। अब सातवें लाइन में इन्हीं छह लाइनों को दोहराना है थोड़े से तब्दीली के साथ, यानी पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। ये देखिए इस फंदे को हमने उल्टा बुना था तो अब की इसे हम सीधा बुनेंगे। इन दो फंदों के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, लूप निकालेंगे, उन अपनी ओर करेंगे और फिर फंदे को बैक लूप से सीधा बना लेंगे। और ये फंदा देखिए इस पर डिजाइन बना था तो अब हम इसे उल्टा बुन लेंगे। तो डिज़ाइन वही है, थोड़ा सा हमें चेंज करना है। जिस पे हमने डिज़ाइन बनाया था उसे अब उल्टा बुनेंगे, और जिसे उल्टा बुना था उसे उस पर हम डिज़ाइन बना लेंगे। दो फंदों के बीच में सिलाई डाला, एक लूप निकाला, उनको अपनी ओर किया और बैक लूप से एक सीधा फंदा, उन अपनी ओर। इस पर देखिए हमने डिज़ाइन बनाया था तो अब हम इस पर उल्टा फंदा बना लेंगे। लास्ट फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। ये देखिए एक से तीन किया गया फंदा है तो इसे उल्टा बुनते हुए वापस तीन से एक कर लेंगे। और ये फंदा इसे हमने सामने से उल्टा बुना था तो रॉन्ग साइड से इसे हम सीधा बुन लेंगे। एक से तीन किए गए फंदे को तीन से एक कर लेंगे और दूसरे फंदे को सीधा। जैसा कि मैंने बताया कि डिज़ाइन के जिस पार्ट को हाईलाइट करना हो उसे हम स्लिप कर लेते हैं, तो हमें इस पार्ट को उभार लाना है तो इसे हमें स्लिप करना होगा। तो इसे स्किप किया, उनको अपनी ओर किया, अगले फंदे को उल्टा, उन दूसरी ओर। इस फंदे को, इस डिज़ाइन के इस पार्ट को हमें हाईलाइट करना है तो इसे हम स्किप कर लेंगे,
उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा उल्टा। इन्हीं दो फंदों को पूरी लाइन में दोहराना है। एक फंदे को स्लिप करना है, अगले फंदे को उल्टा बुनना है। स्लिप करने के पहले उनको दूसरी तरफ कर लेना है। लास्ट फंदा सीधा, रॉन्ग साइड से बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। बुना हुआ फंदा सीधा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप करेंगे। उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर अगला फंदा स्किप करना है। उन दूसरी ओर अगला फंदा सीधा, उन अपनी ओर फंदे को स्किप करना है। तो एक फंदे को स्किप करना है और एक फंदे को सीधा बुनना है। लास्ट फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। ग्यारहवें लाइन में सभी फंदे सीधे, और बारहवें लाइन में सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बनके तैयार है। देखिए पीछे से हमने इस फंदे को स्किप किया था, तो देखिए कितना खूबसूरत सा उभार आ गया है। तो देखिए डिज़ाइन बनके तैयार है। एक बार जिस फंदे में डिज़ाइन बना है, अगली बार दूसरे फंदे में डिज़ाइन बनेगा। ये खूबसूरत सा पैटर्न है, चाहे इसे लाइट कलर में बनाइए चाहे इसे डार्क कलर में बनाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।